दिखने में बहुत अच्छी लगती है वैसे। इसका जो लुक है सेम ऑटो के जैसे है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑटो रिक्शा ही है पूर, लेकिन यह इलेक्ट्रिक ऑटो है, ई रिक्शा है। और इसका जो सामने का टायर है काफ़ी बड़ा है, बम्पर है एक ऊपर में फाइबर का, और दो बड़े से हेडलाइट मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको एक इट्रो का ये देखो लोगो मिल जाएगा, एक वाइपर मिल जाएगा, बड़ा सा ग्लास है जिससे कि आप अंदर बैठे बैठे बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, आपको पूरी रोड दिखने वाली है। इसके बाद जो इसकी पीछे की सीट है, पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ये भी फाइबर का है और पूरा डिजिटल मीटर है और हैंडल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज हमारे सामने में एक ई रिक्शा है जो कि ई ट्रो कंपनी की है, और इसके जो ओनर है, मालिक हैं ये भाई साहब, ये काफ़ी परेशान है और इनकी कंपनी से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है। इनके साथ में क्या लफड़ा हुआ है आपको पूरी वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हम उनसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कितने दिन से चला रहे हैं, गाड़ी कैसी चलती है और उनके साथ में क्या परेशानी हुई है, और वो क्या बोलते हैं ई रिक्शा के बारे में कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हम उनसे बात करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखते रहें। साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीका राम है साहब। टीका राम, थोड़ा इस साइड आ जाओ, उधर गाड़ियाँ आ रही हैं। अच्छा टीका राम जी, आप कितने दिन से ये ई रिक्शा को चला रहे हैं, ईट्रियो का? मैं सर 1.5 साल से इसे चला रहा हूँ। 1.5 साल से? तो क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत आ रही है इस गाड़ी में? सबसे पहली परेशानी तो मेरी ये रही है सर कि ये रिक्शा मुझे नया मिलना था तो इसकी जगह पुराना रिक्शा दिया साहब, बना बुनू के कंपनी वालों ने। अच्छा, उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके और सब ऐसा दिखावे के लिए अच्छा कर दिया है। हाँ, बाकी मटेरियल पुराना दे दिया है। पुराना दे दिया सर। अच्छा, तो आपने वापस जाके कंप्लेंट नहीं किए क्या? करी थी साहब, हमारे वहाँ एक रमेश मिंदोला जी हैं विधायक यहाँ के। अच्छा, रमेश मिंदोला जी के वहाँ हमने शिकायत करी थी इसकी। अच्छा, तो वहाँ से लेटर पे एक लिख के दिया था। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या करा कि प्रिंट कर दिया, वायर नए डाल दिए और कुछ सामान नया पुराना करके बोले लो अब ये गाड़ी नई हो गई है। नई हो गई ठीक साहब, और मेरे को बहुत परेशानी आ रही है गाड़ी चलाने में। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे कंपनी तो लोगों ने इसकी फोड़ तोड़ दी साहब। अच्छा, ये गाड़ी बेकार थी तो ये सामान क्या बदल देते थे गाड़ियों का। अच्छा, तो वहाँ के जो गाड़ियाँ जिनने खरीदी थी उन वो बड़े परेशान थे। अच्छा, वो गाड़ियाँ नहीं सुधारते थे कंपनी वाले या वहाँ की कंपनी के आदमी उन्हें डराते चमकाते थे। वो इतने परेशान हो गए थे साहब कि वो पूरी कंपनी फोड़ दी, नई नई गाड़ियाँ फोड़ दी 10-15। अब हम भी जाते हैं साहब तो हमें भी डराते हैं कि आपकी गारंटी ख़त्म हो गई है, कंपनी हमने बंद कर दी है। अब साहब ये रिक्शा का काम वही करते हैं जो कंपनी ने रिक्शा बनाई। अच्छा, दूसरी जगह हम रिक्शा सुधरवाने जाते हैं तो मना कर देते हैं कि हमारे को ये रिक्शे का काम नहीं आता भाई, नहीं आता है। अब हम तो अभी ये कंपनी है वहाँ पे कि नहीं है साहब? ये कंपनी, ये एजेंसी तो फोड़ दी, यहाँ गाड़ी भी बिकना ये वाली बंद कर दी उनने। अच्छा, अब एक छोटा मोटा गैरेज खोल दिया गाड़ी सुधारने का साहब। अच्छा, खजराने में। अच्छा, तो खजराने वहाँ जाओ तो वहाँ एक मुस्लिम है साहब, वो दारू कुत्ते टाइप का, वो वहाँ का दादा बेलवा ने डरा चमका देता है। अच्छा, बोले आज नहीं करूँगा ये काम, 8 दिन बाद आना। अच्छा, तो साहब बड़े परेशान हैं हम इस कंपनी। अच्छा, से सर। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि ये जो ओनर है इसके टीका राम जी, इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी है और इनका कहना है कि ये गाड़ी लेकर मैं फंस गया हूँ। और इन्होंने ये गाड़ी जब ली थी तो गाड़ी का पूरा पैसा लिया गया है, नई गाड़ी बोलकर गाड़ी दिया गया है, लेकिन पुरानी गाड़ी को नया डेंटिंग पेंटिंग करके और बाकी का सामान नया लगा के और दे दिया गया है, लेकिन गाड़ी नई नहीं है। अब मैं आपको गाड़ी के पीछे का और बाकी का लुक दिखा देता हूँ कि आखिर गाड़ी कैसे दिखती है और गाड़ी में क्या क्या फीचर हैं। दिखने में बहुत अच्छी लगती है वैसे, इसका जो लुक है सेम ऑटो के जैसे है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑटो रिक्शा ही है पूर, लेकिन यह इलेक्ट्रिक ऑटो है, ई रिक्शा है। और इसका जो सामने का टायर है काफ़ी बड़ा है, बम्पर है एक ऊपर में फाइबर का, और दो बड़े से हेडलाइट मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको एक इट्रो का ये देखो लोगो मिल जाएगा, एक वाइपर मिल जाएगा,
बड़ा सा ग्लास है जिससे कि आप अंदर बैठे बैठे बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, आपको पूरी रोड दिखने वाली है। इसके बाद जो इसकी पीछे की सीट है, पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ये भी फाइबर का है और पूरा डिजिटल मीटर है और हैंडल है। इसके बाद में ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट के नीचे स्टेपनी आप रख सकते हैं। और पीछे की जो सीट है यहाँ पे आपको तीन तीन सवारी बैठा सकते हैं, सीट थोड़ा बड़ी है और हुड भी हाइट में है, दोनों साइड में तीन तीन सवारी आप बैठा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप पीछे से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोगो मिल जाएगा और गाड़ी पीछे से देखने में इस तरह आपको अलग ही दिखेगी सबसे। और ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर का आपको लाइट मिल जाएंगी। और जो इसका मोटर वगैरह है, एक्सेल वाला सिस्टम है, इसमें क्राउन दिया हुआ है। और लेकिन सब कुछ तो सही है, लेकिन ये कंपनी अभी यहाँ पे इंदौर में बंद हो चुकी है और इनका शोरूम नहीं है। उन्होंने एक सर्विस सेंटर खोला है जहाँ पे वो रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन गाड़ियों का काम सही से नहीं होता है। तो दादा आप थोड़ा इधर आ जाओ। तो आपने ये गाड़ी कितने में लिया था साहब? ये हमें योजना में मिली थी 2,60,000 में दी गई है। 60,000 में? हाँ, और हमारी कस्टडी भी मापनी हुई है साहब। अच्छा। और हमारे को जो सुविधा मिलना थी वो भी नहीं दी गई है साहब। अच्छा। अब ये हमें पड़ी आपको ये गाड़ी 2,60,000 में पड़ी है साहब, हमें 2,80,000 तक हो गए हैं। अच्छा। अब ये ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। 2,400 रुपये महीने की तो हमारी किस्त बांधी थी, लेकिन हमसे कहा गया था कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा भरोगे तो आपकी किस्त वो आपका ब्याज कम लगेगा। तो हमने साहब हमारे घर में थोड़ा बहुत खर्चा करा, कमा कमा के हमने 10,000, 15,000, 10,000 ऐसे करके इसका बड़ी बड़ी किस्त। अच्छा, तो देके पैसा अदा कर दिया। कितने साल की किस्त बनी हुई थी हमारे सर? 2,400 रुपये महीने की किस्त से आप जोड़ लो कि कितनी किस्त बनी थी, लेकिन हमने 10-10, 15-15 हज़ार भर के। साल बताया था कि कितने साल भरना पड़ेगा, 1 साल की 2 साल 3 कितने साल भरना पड़ेगा? ये साहब 2,400 रुपये महीने की किस्त से 3-3.5-4 साल का बोला था भरने। अच्छा, 3.5-4 साल का। तो गाड़ी काफ़ी महंगी पड़ गई आप? बहुत सारी सर महंगी पड़ने के बाद में मुझे नई गाड़ी भी मिल जाती तो नहीं करती, ये मुझे जूनी पुरानी प्रिंट गाड़ी दे दी है वहाँ। अच्छा। से और फिर जाओ तो डरा चमका देते हैं सर वो वहाँ के। अच्छा, मेके तो वहाँ पे जो मकैनिक है वो डराते धमकाते? हाँ, के चलो आप नहीं सुनते। हाँ चलो, 1 साल हो गया, गारंटी खत्म हो गई, जाओ। तो अभी तक आपके साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम है? इसका मोटर, चार्जर, कंट्रोल और कुछ खराब हुआ है क्या अभी? सर मेरा तो ये आगे का चिमटा बैठा हुआ है, उसे ही चला रही हूँ टूटे हुए को। अच्छा। बैटरी भी मेरी साहब पुरानी डाल दी, नहीं निकाल के। अच्छा, तो कितने देर में फुल चार्ज हो जाती है? 5 घंटे में हो जाती है सर। 5 घंटे में फुल चार्ज? जी साहब। और कितने किलोमीटर चल जाती है ये साहब? 100 किलोमीटर के दी थी बैटरी। अच्छा, 100 किलोमीटर चलेगी? चलेगी सर, लेकिन 90-80 किलोमीटर चलती है। अच्छा। वो अब उनसे बोलो कि पूरी बैटरी तो बोले 1 साल में 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर घट जाती, इतनी चलेगी। अच्छा। जाओ, हमें 3 साल की गारंटी दी गई है बैटरी की साहब। अच्छा, 3 साल की। और हमारा कोई मतलब है ना, ये ध्यान नहीं दिए जा रही है गाड़ी। मैं हूँ साहब, मेरे शरीर के 50 आदमी गरीब ऐसी परेशान हो रहे हैं साहब। वो लोग भी फंसे हुए हैं, बहुत परेशान है साहब, गरीब लोग हैं। तो और मैं भी गरीब हूँ। आप लोग इसको पुलिस कंप्लेंट नहीं किए क्या थाने में? साहब पुलिस कंप्लेंट करने जाओ तो बोले तुम्हारी गाड़ी जब्त करवा देंगे, तो हम डर जाते हैं साहब। अच्छा, उल्टा तो तुम्हें उलझा देंगे। इससे लेने से पहले आपको दूसरी गाड़ियों के बारे में पता नहीं था क्या? बहुत सारी गाड़ी है, महिंद्रा की है साहब, और दूसरी गाड़ियाँ भी अच्छी अच्छी हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी क्या पहले? साहब जानकारी होने के बावजूद भी हमको वहाँ से, जहाँ मेरी बच्ची को ITO से 1 महीना सिखाया गया, हमें सुविधा दी गई और हमें 25-50 हज़ार की धन राशि दी, सहयोग दिया, इसमें हमें ये गरीबी रेखा पेट पालन के लिए गाड़ी दी गई योजना पे साहब। और लेकिन मेरे शरीर मैं तो रो ही रहा हूँ सर, दुखी परेशान हूँ। मेरे शरीर के ये जो गाड़ी कंपनी की ली, सारे के सारे 5-50 आदमी साहब, हम सब परेशान है, सब परेशान है साहब, इसकी कंपनी फोड़ दी गई। क्या चाहते हैं कि आपको कंपनी से क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? सर हमें तो कंपनी से इतनी सुविधा मिल जाए कि हमारी गाड़ी वक्त पे सुधर जाए तो हम चला लें, हम बिगड़ी गाड़ी कैसे चलाएं? हम तो आशा लगा के रोजी रोटी के लिए निकलते, रास्ते में ही हमारी गाड़ी बंद हो जाए। मार्केट में कहीं दूसरी जगह काम नहीं होता है क्या इसका?
इसका साहब कोई दूसरी जगह जाओ गैरेज वगैरह पे तो मना कर देते कि ये गाड़ी के काम नहीं आता कंपनी। अच्छा। जिस कंपनी में वही काम कि अभी आप इसको एक बार चार्ज करते हैं तो लाइट बिल कितना आ जाता है? लाइट बिल में सब में 100 से 150 रुपये 200-250 रुपये तक आ जाता है कभी डेली का साहब। अब दो बार चार्ज करते होंगे फिर? नहीं सर, एक बार में ही आ जाता है 100-150 रुपये 100 रुपये आ जाता है 100-150। आपकी कमाई कितनी हो जाती है डेली की? 400-500 रुपये के करीब हो जाती है साहब। 500 रुपये के करीब? 400-500 रुपये हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो अंकल जी हैं ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इनका नाम टीकाराम है और ये जो ई ट्रियो कंपनी की ई रिक्शा चला रहे हैं और ये बोल रहे हैं, इनका कहना है कंपनी ने इनके साथ में धोखा किया है, गाड़ी अच्छी नहीं दी है, पुरानी गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग करके पूरा सजा के और ये पुरानी गाड़ी को इनको थमा दिया गया है। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी एक इसका शोरूम भी बंद हो गया है और इसका काम बाहर मार्केट में होता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि ये कंपनी तक ये बात जाए और इनको इंसाफ मिल सके। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।